प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में प्रेम जाल में फंसाकर एक युवक के द्वारा दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। शादी करके घर पहुंची प्रेमिका के सामने जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो वापस अपने घर लौट आई और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल मामला है जनपद के थाना मझोला क्षेत्र का, जहां पर एक लड़की साइबर कैफे पर नौकरी करती थी। इस दौरान कैफे के स्वामी और लड़की के बीच प्रेम संबंध बन गए और बात शादी तक पहुंच गई। परिवार से अलग होकर कोर्ट मैरिज कर ली। शादी करने के बाद शिवम लड़की को काशीराम नगर के में किराए के कमरे में रखने लगा। इसी बीच पीड़ित लड़की को आरोपी शिवम की पहली शादी की जानकारी हुई तो पीड़िता ने इसका विरोध किया। इस दौरान शिवम जान से मारने की धमकी देते हुए कुछ ना कहने की बात कही। मौका पाकर लड़की काशीराम से निकलकर अपने मायके पहुंच गई और सारी दास्तान परिवार के लोगों को बताई। जैसे ही परिवार को इस बात की जानकारी हुई तो अपनी गुहार लगाने के लिए वह थाने पहुंचे और शिवम के खिलाफ तहरीर दी। सीओ सिविल लाइंस का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या हुआ था बेटा? शिवम नाम का लड़का मेरे ऑफिस में, मैं साइबर कैफे पर काम करती थी एयरटेल पेमेंट बैंक में, वहाँ पर मनी ट्रांसफ़र कराने आता था। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को मना लिया शादी के लिए और घर वालों को नहीं फोर्स करा मेरे ना, अपने घर वालों से मिलवाया कुछ नहीं। उनने मेरे पापा ने, मैंने दोनों ने जिद करके शादी कर ली। पापा ने हमारे ने करवा दी थी। फिर वो मुझे यहाँ पे मुरादाबाद में काशीराम में कमरे ऋतिक के यहाँ, जिसकी डिश चलती है, वहाँ पे कमरे पे रहा उसके। और उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, उसकी दूसरी शादी है, उसके दो बच्चे भी हैं। और उसने मुझे यूज़ करा और उसने बहुत उल्टा सीधा, यानी कि मुझसे ये कहा कि अगर किसी को बताया तो मार दूँगा तेरे घर वालों को, तेरे भाई को, सबको। मुझे बहुत परेशान करा उसने और मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। तो आपने तहरीर वगैरह थाने पे दे दी थी? सब दे दिया। अब पुलिस इसमें क्या कर रही है? पुलिस वालों ने कहा कि हम जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं घर पे। मुझे तो इसमें कुछ नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है पुलिस भी पैसे लेके खा रही है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मैं तो इंसाफ नहीं मिला तो मरना ही बेहतर है। अब तो आपको धमकी भी देता है वो? धमकी भी देता है वो। क्या कहता है? यूँ कहता है मेरे भाई को मार देगा, मेरे पापा को, पापा से बहुत ज़्यादा वो रहता है, वो पापा को बहुत मारने की धमकी देता है मेरे। यूँ कहता है जो किया है तेरे पापा ने तुझे अलग कर दिया मुझसे, ये कहता है वो। तो धमकी आती है आपके पास? जी। मैसेज में क्या क्या आया था? मैसेज में आया था कि फैसला कर ले वरना देख लिए मैं अपने सबको मार डालूंगा तेरे घर में, फैसला कर ले। तो अब आप क्या चाहती है? मैं इंसाफ चाहती हूँ। अगर आपको इंसाफ ना मिला तो कैसे आपने बताया? मैं खुदकुशी कर लूँगी, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो। किसको मानेंगे, किसको देंगे? इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी जो मेरी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसमें एक तहरीर जो है वो रिसीव हुई थी, इसमें जो वादी हैं वो नरेश हैं, उनकी तरफ से आई थी कि उनकी लड़की की उन्होंने शादी की थी किसी शिवम नाम के व्यक्ति से। तो बाद में उन्हें पता लगा कि शिवम ने ऑलरेडी पहले से ही शादी कर रखी है, तो इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और संगत धाराओं में और विवेचना इसमें प्रचलित है। जो भी कार्रवाई, विवेचना का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। तो इसकी कोई गिरफ्तारी भी है? अभी विवेचना इसमें प्रचलित है, उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।